बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस 23 लेसन 6 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि एक एटम में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए इसने एक टिन गोल्ड फॉइल लिया, अल्फा रेज लिया, पोलिनियम रेडिएटर एलिमेंट लीड कंटेनर लिया एंड अल्फा डिटेक्टर लिया। इसमें इसने हमारे साथ ये प्रूव किया कि एटम के दरमियान हमारे साथ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन पर हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि हमारे साथ सेम पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। इसने अल्फा रेज बम्बर्ड की इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा रेज बम्बर्ड किए और जब ये रेज गोल्ड फॉइल से गुजर गए तो इसमें काफ़ी रेज उससे गुजर गए और कुछ फ्यू रिफ्लेक्ट हो गए, वापस आ गए, बाउंस हो गए, वहाँ से दोबारा वापस आ गए। तो उसने ये साबित कर दिया कि एटम के न्यूक्लियस में हमारे साथ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जिससे हमारे साथ पॉजिटिव अल्फा रेज पर भी पॉजिटिव चार्ज है और उस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन करते हैं। इसने मेन पॉइंट में ये साबित कर दिया, मेन पॉइंट में ये बता दिया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसने ये साबित कर दिया कि एटम के न्यूक्लियस में हमारे साथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि हमारे साथ एटम के दरमियान सेंटर में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई स्पीड। इलेक्ट्रॉन हमारे साथ एक हाई स्पीड से इस न्यूक्लियस से रिवोल्यूशन करते हैं, ये हमारे साथ न्यूक्लियस से रिवॉल्व होते हैं एक हाई स्पीड में। द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। हमारे साथ ये न्यूक्लियस की साइज बहुत स्मॉल होती है, एटम के दरमियान जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसकी साइज हमारे साथ बहुत स्मॉल होती है एंड इसका ज़्यादातर मास वॉल्यूम एम्प्टी होता है। एटम इज न्यूट्रल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द प्रोटॉन। यहाँ हमारे साथ एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें हमारे साथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। ये न्यूक्लियस हमारे साथ एक मास देता है, एक वजन देता है एटम को और एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को। इस एटम को हमारे साथ ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आइए पढ़ते हैं रदरफोर्ड के डिफेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि इसने हमारे साथ वो प्रूफ किया जो पहले इसने कभी किसी ने नहीं प्रूफ किया, क्योंकि इसने हमारे साथ ये प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली, ये प्रूफ किया, ये साबित कर दिया कि हमारे साथ एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इसमें हमारे साथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एटम के दरमियान हमारे साथ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इसने ये चार्ज की बात नहीं की, तो इस वजह से ये हमारे साथ इसके डिफेक्ट में आया है। क्योंकि इससे पहले हमारे साथ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि 1800 सेंचुरी में उसने हमारे साथ एक्सप्लेन किया था कि एक न्यूक्लियस एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि नहीं, एटम हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनते हैं, ये हमारे साथ एक फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है ये एटम। तो इस पर हमारे साथ 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो आए इसकी डिफेक्ट पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिफेक्ट इसमें जो इसने गलतियाँ की थी वो हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल, इसने हमारे साथ लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल के बेस पर इसने ये थ्योरी पेश किया, इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। विच आर एप्लीकेबल टू द न्यूट्रल बॉडी एंड नॉट ओनली चार्ज बॉडी, जो हमारे साथ एक खास न्यूट्रल बॉडी के लिए होता है, एक चार्ज बॉडी के लिए नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज बॉडी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मैक्सवेल थ्योरी के बेस पर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी होता है जो कि हमारे साथ रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, शुड इमिट एनर्जी, और ये हमारे साथ एनर्जी इमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, ये इलेक्ट्रॉन हमारे साथ एक सर्कुलर पाथ में मूव होता है, रिवॉल्व होता है एंड अल्टीमेटली फॉल इन द न्यूक्लियस, और आखिरकार हमारे साथ एनर्जी इसकी इमिट हो जाती है और गिर जाता है न्यूक्लियस पर, जो कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट हैपन।
इट डज नॉट एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. इसने हमारे साथ एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारे साथ केमिकल इसकी एक एलिमेंट की एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी खसूसियत क्या है. ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी जो कि एक एटम के बेस पर की गई थी 1911 में.